ले नदी ले लीजिए ले पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी मारी जी के साथ पढ़ने लगी हरे पढ़ने लगी मारी जब कन्या फेरा फिरने के बाद भर ने कहा आप हमारे जंक्शन बन रहे हो तो हमने कैसे मारा देखा क्यों क्योंकि हाँ कौन सी कसर रह गई है भर ने बोला कसर पहुँच गया मैंने जब छप गया हवन हो गया और फेरे फिर गए तो कुछ कर नहीं
मधुबर मंडपम मधुबर मेरा होमयान पक्षा यावत सती कन्या कुमारी का कन्या कह रही मंडप छवाने से कुछ घर की शोभा है और इससे ये मालूम होता है इस घर में शादी हुई है धार्मिक उत्सव हुआ है। आपने जो मंडपम खाया उससे आपकी देह की शुद्धि हुई है और जो हमने तुमने जो है हवन किया है इससे देवता प्रसन्न हुए हैं और इसकी परिक्रमा करने से जो है अग्नि प्रसन्न हुई है। लेकिन जब तक आदमी जो है कौन किस बात का पक्का होता है बात का, अगर आप हमें वचन दें तो हम आपके धन से भंगवान नहीं तो अपने माता पिता की पाई कन्या कहती ठीक है महाराज। कन्या कहती है पहले हमें वचन दीजिए तब हम आपके धन से भंगवान। कन्या वचन मांगती है यदि यदगम को रातम मम समझती रहता हूँ जैसे आपने आज मेरे साथ साथ लेके मुझे साथ रख के ये यज्ञ किया है और ऐसे आप कभी भी जब यज्ञ करें तो मुझे साथ रख के करें सदी मुझे साथ रखे यज्ञ पर तो मैं आपके दंग से मंगवाऊँ नहीं तो फिर मत करनी। ये कन्या का पहला वचन है। दूसरा वचन है यदि दानम कोरिया का मम सम्मति रहता हूँ यदि दान तुम्हें लेना है या देना है इन दोनों में मुझे बता दो मेरी सलाह से करो। लेकिन हम आपको रोक नहीं सकते लेकिन फिर भी आपको हमें बताना पड़ेगा कि हम उसके लिए ये दान दे रहे हैं और ये हमसे वहाँ से दान मिला है तो हम आपके दान का मांग नहीं तो अपने माता पिता की जो संज्ञान है। तीसरा वचन अवस्था मन पालन को रहता हूँ मनुष्य की तीन अवस्थाएं होती हैं बाल युवा बुढ़ापा। बालपन तो मेरा माता पिता के घर कट गया और युवापन और बुढ़ापा आपके साथ है लेकिन हर एक समय में हर एक उम्र में आप मेरी सांत्वना दें सहाना दें और समय समय के साथ पालन तो मैं आपके धन से धनादि के ओपन हम समझ कहता हूँ पहले हमारे तुम्हारे बड़े बूढ़े इस धन के लिए वहीं घर में राज किया करते थे फिर ढूंढते रहते तो नहीं मिलता था और आज धन के क्या है परिवार वालों से चुप्पा उठाए पैसे किसी को दे दिए जब बाद में नहीं मिलते तब मालूम होता है कि उन्होंने पैसे दिए लेकिन पैसा नहीं मालूम होता ऐसा कुछ नहीं। जब कभी भी आप किसी को पैसे दें चुप्पा दें या किसी गड़े में दें लेकिन हमें बता दें कि हम उसके लिए पैसे नहीं और मिला या ना मिला देना ना देना आपका काम है लेकिन आपको परामर्श हमारा लेना अनिवार्य है तो हम आपके दंग से मंगवाएं नहीं तो अपने माता पिता की जो पॉइंट है गवाद फर्स्ट क्रम विक्रम तम में सज लेता हूँ आपने गाय बैल चाचा देखिए उनकी पालना नहीं की तो घर वालों को छोड़ दिए फोन दिए अपना और फोन अगर गाय बैल आप लोग खरीदना है तब पूछ लो हम गाय लेने जा रहे हैं भैंस लेने जा रहे हैं और बेच रहे हैं तब भी ये बता दो हम गाय बैल लेने जा रहे हैं क्योंकि उनकी पालना करना उनको खानो पियानो आप खाना परिवार के ऊपर ना छोड़ें जो आप खरीद के लाए तो उनकी सहना आप करें और मुझे साथ रख कर तो मैं आपके दान से मांगूंगा नहीं तो अपने माता पिता की पहुँच बसंत आदम संस्कृतम पालन साल में छह ऋतुएं होती हैं और छह ऋतुओं के साथ आप कपड़ा खान पान का मेरा संबंध विचार करें और मेरी पालना करें क्योंकि जो है ऐसा ना हो जाड़े के कपड़े गर्मी में गर्मी के कपड़े जाड़े में नहीं ऋतुओं के अनुसार मेरी जो है पालना करें और तो मैं आपके दान से मंगवाने के लिए तैयार हूँ। सातवां वचन है सखी सौनो हास्यम देता को रियातम मम भक्ता मानना अच्छा नहीं कि मुझसे आपके घर का कोई भी कितना बड़ा नुकसान हो जाए जल्दी आ जाओ यार फिर भी मैं सखी सहेलियों में या जेरान जिठानियों में या किसी अपने फटाफट तो उस समय आप मुझे कठोर दंड लगा कोई भी दंड लगा और एकांत में जाने के पश्चात आप मुझे दंड दें और अत्यंत भावना होने पर भी आप प्रायश्री का सेवन तो मैं आपके दंग से मांग वाले के लिए तैयार हूँ। तब जब कन्या दान से बांधने के लिए उदित हुई तो भर कहता है ठीक अरे आपने हमें बछड़ों में बांध दिया आप आ जा दो लेकिन हम बछड़ों में आप भी बछड़ों में बंध जाए तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तब कन्या कहती है ठीक है महाराज आप बर मांगे बचन मांगे तो हम आपके जो बर बचन आपके दोनों देने के लिए तैयार हैं। तो बर क्या कहता है कि हमें जो आप 14 वचन दें तो कन्या कहती महाराज मैं एक अवला नारी जो पुरुष की बराबरी नहीं कर सकती वो 14 वचन कहाँ से देगी
संपर्क करता है, ठीक है आप हमें जो है चार वचन दें, बस चार वचन मांगता है, कौन से? उद्धान मध्यपान पृथ्वी गमलम चाहते शास्त्र लक्षणों को बधु। उद्धान कहते हैं बगीचा के लिए, उद्धान कहते हैं बगीचा के लिए, उद्धान कहते हैं जंगल के लिए, स्त्री के लिए दोपहर के समय, रात्रि के समय स्त्री के लिए कभी भी बगीचा में और जंगल में नहीं जाना चाहिए। तब कन्या कहती है महाराज इसमें थोड़ी समस्या हुई, कौन सी? कि दोपहर में और रात्रि में घर में आग लग जाए तो स्त्री के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बर कहता है आपत्तिकाल ही मर्यादा रस्ती, आपत्तिकाल में कोई रुकावट नहीं लेकिन बारम्बार नहीं। ये बर का पहला वचन। दूसरा वचन है मद। मद कहते हैं मस्त हाथी के लिए, जब हाथी बिगड़ जाता है तो वो न पीलवान को मानता है न मालिक को मानता है, और जब मनुष्य शराब पी लेता है उसका दूसरा नाम है शराब। जब मनुष्य शराब पी लेता है तो वो नहीं बाप को मानता है, नहीं माँ को मानता है, नहीं भाई को मानता है, नहीं बहन मानता है। अरे ऐसे शराबी के सन्मुख होकर और ऐसे हाथी के सन्मुख होकर स्त्री के लिए कभी नहीं जाना चाहिए। कन्या कहती महाराज इसमें थोड़ी समस्या हुई, कौन सी? चाचा महालक्ष्मी का पूजन के समय स्त्रियाँ हाथी के सन्मुख होकर पूजा करती हैं, क्या उस समय जाना कोई पाप है? नहीं, क्या पूजने के समय जाने छूट है लेकिन बारम्बार नहीं। ये बर का दूसरा वचन है। तीसरा वचन है पिता के लिए गमलम चाहिए। चाहे तो बड़ का परिवार लड़की वालों के यहाँ पहुँच जाए, और चाहे लड़की वालों का परिवार लड़के वालों के यहाँ पहुँच जाए, फिर भी